खबरें जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का जो मिल रही है सीधे रतलाम से। जहां मामला रतलाम का है, जहां कॉन्वेंट स्कूल की बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने एक विशाल रैली निकाली जो सुबह 11 बजे पैलेस रोड से निकली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पहुंची, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। स्कूल पहुंचने के बाद भीड़ में कुछ युवक उत्तेजित हो गए और उन्होंने स्कूल की बाउंड्री पर लगी जालियां उखाड़कर फेंक दी और जबरदस्त नारेबाजी की और पथराव भी किया, जिसमें कुछ युवकों को और पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी को भी पत्थर लगे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े भीड़ को तितर बितर करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, एसपी गौरव तिवारी को खुद डंडा लेकर मैदान में उतरना पड़ा हालातों को देखते हुए, जिसके बाद भीड़ पर नियंत्रण हुआ और प्रदर्शनकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। लेकिन जैसे ही ज्ञापन सौंपा और रैली समाप्त हो गई, प्रदर्शनकारियों का एक जत्था स्टेशन रोड स्थित होटल आशीर्वाद जा पहुंचा और जमकर तोड़फोड़ की। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन फिर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना ही पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। खबर समय जगत के लिए रतलाम से आशीष चावड़ा की रिपोर्ट।